क्यों हमें बुरा नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए, बुरा कहना चाहिए? क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम कहते हैं, हम वैसे ही इंसान खुद बन जाते हैं। हमारी नेचर वैसी ही हो जाती है। ठीक है, तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जैसे कि कबीर जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। तो इसका क्या मतलब है कि जैसी हम वाणी बोलेंगे वैसा ही दूसरे पे भी असर होगा, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी पे भी असर होगा। हम शीतल बोलेंगे तो दूसरा भी शीतल होगा, हम सहजता से बोलेंगे तो दूसरा भी सहज बनेगा, हम आग बबूले होंगे तो दूसरा भी लाल पीला होगा। राइट, तो बेटर क्या है, आग बबूले होना या सहज बनना? जैसे ये डॉक्टर सहज है तो क्या सही है ना? तो कबीर जी की दोहे में 4 लाइनों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो हमेशा बुरा मत कहो, कुछ भी अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छा करो। डिपेंड करता है कि आप क्या लिसन कर रहे हो, क्या आप हियर कर रहे हो, किससे चैंटिंग करते हो आप, और कौन सी बुक्स पढ़ते हो, कौन से टीवी प्रोग्राम्स देखते हो, कौन सी मूवीज देखते हो। ये सब डिपेंड करता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स देखते हो, क्या डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, क्या म्यूजिक सुनते हो। अब हनी सिंह को सुनोगे तो क्या होगा बताओ? हनी सिंह कितनी स्लैंग लैंग्वेज होती है उसके सॉन्ग्स में, बट सारे सुनते हैं, बड़े मजे आते हैं सबको, बट ऐसे मजे नहीं लेने। कभी भी एंटरटेनमेंट मत करो, जब भी करना है वो एजुटेनमेंट करो। मतलब चाहे सुनना है, चाहे देखना है, चाहे पढ़ना है, चाहे जो भी करना है, सब कुछ आपके करियर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मूवी देखनी है तो कौन सी मूवी देखो, भाग मिल्खा सिंह भाग जैसी है मूवी, भाग मिल्खा सिंह भाग देख सकते हो आप, मैरी कॉम देख सकते हो, थ्री इडियट्स देख सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखो, माउंट एवरेस्ट की डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हो, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी इंटरव्यूज देखो, वो सक्सेसफुल कैसे हुए उनके बारे में जानो, उन्होंने कहां से, ग्राउंड लेवल से उन्होंने शुरू किया। दीपा कामकर है, ठीक है, जिमनास्ट है वो अभी रियो में गेम्स जीत के आई थी, उसको ब्रॉन्ज मिला था। तो उसने क्या किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से वो उठी थी। गीता बबीता आपको पता होगा, दंगल में आपने देखा होगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हैं ये बच्चे, तो कहाँ पहुंच गए हैं, गोल्ड लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास तो फंड्स भी नहीं थे, सपोर्ट कैसी थी, पापा की बस सपोर्ट थी, कईयों को सपोर्ट भी नहीं मिलती, बट जिसने करना है वो कर डालता है, वो कर लेता है। तो आपको भी ऐसी बुक्स पढ़नी है या ऐसे प्रोग्राम्स देखने हैं जो आपके करियर में हेल्पफुल हो, एजुकेशन में हेल्पफुल हो आपकी, कहीं भी आपको कोई टाइम वेस्ट ना हो। आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है, इसका कोई बेनिफिट नहीं, फिर सारी जिंदगी बस मूवीज ही देखते रह जाओगे। राइट, इससे अच्छा है जो भी देखो अपने एम, जो आपका एम है उसमें हेल्प करे वो ही देखो। ठीक है, मैं आपको कुछ बुक्स भी बता सकती हूँ जो अच्छी बुक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मिरेकल मॉर्निंग है, मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी बुक है, इसमें बताया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, सारे 8 बजे से पहले इतना काम कर लेते हैं कि जो आप लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। वो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, योगा मेडिटेशन सब कर लेते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, पूरा दिन उन्होंने क्या करना है सब कर लेते हैं वो 8 बजे से पहले पहले उनका सब निपट जाता है। और कुछ लोग 8 बजे के बाद तो उठते ही हैं। राइट, ऐसे यू कैन विन एक बहुत अच्छी बुक है शिव खेड़ा जी की, यू कैन विन नाम से ही पता चलता है कि कैसे जीतें, इसके बारे में बताया हुआ है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ एक बहुत अच्छी बुक है, द सीक्रेट ऑफ लाइफ, उसमें क्या बताया हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो आप सोचते हो वो आपको मिल जाता है, यूनिवर्स आपको वो कैसे भी ला के दे सकती है, बट आपकी सोच में वो पावर होनी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से चीजों को चाहोगे वो आपको मिलेंगी, चाहे आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो। कभी ये मत सोचो कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे पापा तो मुझे ये चीज नहीं ला के दे सकते, या मैं उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपने सोच लिया मुझे ये चाहिए और रोज सोचा, सोचते रहो, आपको मिलेगा। इस चीज पे आइए, द सीक्रेट ऑफ लाइफ। आप गुरु ग्रंथ साहिब जैसे सरदार लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसी बुक, कैसा ग्रंथ है, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए आपको उसमें से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसी बुक है, पढ़ लो उसको। बाइबल पढ़ सकते हो,
भगवत गीता पढ़ सकते हो। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिससे आपको मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज मिलती हैं। यह एक ऐसी बुक है जो चूहे को भी शेर बना देती है, ऐसी बुक है। आप कबीर जी के दोहे पढ़ सकते हो, उन दोहों में बहुत कुछ है। चार लाइनें भी सुन के आपको बहुत सीखने को मिलेगा। जब आप इन चीजों को अपना फ्रेंड बना लोगे तो आप खुद एक वाइज इंसान बन जाओगे, और वाइज जो आपकी वाइजनेस है वो रिफ्लेक्ट करेगी